फजर को रायवंड का बंदा, लाहौर का आदमी, शख्स का बाप अपनी बेटी को जायदाद देने के लिए तैयार है। बोलो मार का। अब मैं आपको जानता हूं, तो मरीज बैठ गया। मैंने ये लाहौर में भी अर्ज किया, कश्मीर में, मरी में, केपीके में, पंजाब में, मुसलमानों मेरे सामने तो मिसालें बहुत कम। सक्का बाप अपनी बेटी को जायदाद देने के लिए तैयार नहीं है। सुन ले बुजुर्गो, मैंने कुरान हदीस आपके सामने अर्ज किया तब पेश करूंगा। सुने जन का आप कलमा पढ़ते, इधर तवज्जो फरमाए। आप मशीन वाले को ना देखो, ना अपना काम करना है, आप अपने वादे के मुताबिक ये काम करें। सुन ले, बाकी आपकी मर्जी। मैंने मिसाल दी थी, अच्छे तरीके से आपको मिसाल समझ आ जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नर रजुल लयामल, ये कुरान उठाकर बैठा है, बबूदू बैठा हूँ, सुफेद बाल है, झूठ बोलने की क्या जरूरत है। हजरत मुस्लिम साहब तशरीफ फरमाए, बहुत बड़े जय्यत आने में अल्हम्दुलिल्लाह की जिंदगी में बरकत अता फरमाए। फिर पूछ लेना मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच्ची बातें कर रहा हूँ। मर्जी आपकी जैसे करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नर रजुल लयामल वल मरा बितातिल्लाह 60 सना। आपने फरमाया, मर्द भी सारी जिंदगी इबादत करता है, औरत भी सारी जिंदगी इबादत करती है, सारी जिंदगी। मर्द भी सारी जिंदगी अल्लाह की ताबेदारी करता है, औरत भी सारी जिंदगी अल्लाह की फरमा बरदारी करती है। एक मिनट सेकेंड ना फरमानी नहीं की है। तवज्जो भाई, एक आदमी फिर भी पीछे देख रहा है। खुदा आपका भला करे, बात तो सुन लो। सारी जिंदगी मर्द भी नेक अमल करता है, औरत भी नेक अमल करती है, एक मिनट सेकंड ना फरमानी नहीं की। फयाज़ुरुहुमल मौत, आपने फरमाया, जब उनकी टाइम मौत का टाइम करीब आ जाता है, फयुदारान फिल वसीया, आपने फरमाया, गलत किस्म की वसीयत कर देते हैं। अल्लाह पाक इतना नाराज हो जाते हैं, इतना नाराज हो जाते हैं, इतना नाराज हो जाते हैं, सारी की करती पे पानी फेर के फता जे बोला हो मन्ना। यार बच्चों को चुपको ही करवा सकता यार, बड़ा शोर मचा रखा है जालिमों ने, बात करने ही नहीं देते। ऐसा शैतान उनको लेकर आया है यहाँ। शैतान क्या पहन के कानों तक आवाज न पहुंचे, वो जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। ये जो मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, अब आपका नतीजा सुन ले। तवज्जो फरमाए भाई, तवज्जो, मेरा टाइम खत्म होने वाला है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखिरी टाइम जब आ जाता, गलत किस्म की वसीयत कर देते हैं, अल्लाह पाक इतना नाराज होते हैं, सारी कीती करती पे पानी फेर के फता जब लहुम नार, उनके लिए जहन्नम वाजिब कर देते हैं, जो अपनी बेटियों को जायदाद नहीं देता। जैसे हमारे मुआशरा में जब बाबे का ये हाल हो जाए ना, सर कांपना शुरू हो जाए, हाथ में राशा शुरू हो जाए, मेरा बेटा जी बाबा इधर आओ, आ गया जी, और बेटा देख रहे हो सर कांपता है, हाथों में राशा शुरू हो गया, दांत गिर गए हैं जी, बहरा हो चुका हूँ, नजर कुछ नहीं आता, और बेटा कोई पता नहीं मैं किस वक्त मर जाऊं, जाओ पटवारी को बुला कर ले आओ, जो जायदाद मेरे नाम है क्या करो। बोलो भाई, अपने नाम करवा लो, कहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारी बहन तुमसे मुतालबा न करे। ये शख्स खुदा का भी बागी, मुस्तफा का भी बागी, सहाबा का भी बागी, अहल बैत का भी बागी है, कुरान का भी बागी है, इस्लाम का भी। फिर नारे लगाते हैं जी, गुलाम है, गुलाम है, हाँ हाँ, किन के? रसूल के गुलाम है, लेकिन रसूल की बात मानने के लिए तैयार नहीं। ये कैसे गुलाम, मजाक क्यों कर रहे? गुलामी है रसूल में, मौत भी, मौत तो कबूल है, लेकिन बात कबूल समझ